छूने पे और पड़ गया चोट। ओके नीचे खिलाड़ी और नाजिम जैसा खिलाड़ी हो तो कैच तो छूटना ही नामुमकिन। तो इस ओवर के बाद बताऊंगा फिलहाल प्री बढ़िया शॉट नाजिम गेंद के नीचे। इसे घर से खाता खुला दिए बलगढ़ का। अगर हैट्रिक बनाते हैं तो 100 रुपए मेरी तरफ से पारित होती। फिलहाल दिन बंद हो गए। एक रन की मदद से थी तो फिलहाल चले बढ़िया गेंद और बढ़िया पे बिल्कुल हल्के हाथों से खेला। मैं पहले बता चुका हूँ कि देवलगढ़ अपने में प्रबल दावेदार टीम है क्योंकि ये भी बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला। तीन रन की मदद से 3 का स्कोर 4 रन देवलगढ़ छोटा कर रहा है। 8 रन स्कोर बोर्ड पे और टीपीएस अपने छोटे भाई जलेबी भांग पे ज्यादा ध्यान छूने पे और पड़ गया शॉट। ओके नीचे खिलाड़ी और नाजिम जैसा खिलाड़ी हो तो कैच तो छूटना ही नामुमकिन। तो पेस भी पक्का ठीक है। फिलहाल चले गेंदबाज बोलो थ्रू में आसान नहीं होता। बिलाल बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला। 3 बंद 9 गई गेंद के नीचे। एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 11 रन। शुभम मैदान में और हल्के हाथों से खेला पॉइंट क्षेत्र थर्ड स्लिप कह लीजिए। एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 रन ले पकड़ता हुआ। फिलहाल बढ़िया खेल हल्के हाथों से धके रही बड़े खिलाड़ी की निशानी। तो फिलहाल स्कोर 13 रन चौथा ओवर पर गति पर अटपटे ढंग से खेला पॉइंट क्षेत्र थर्ड मैच क्षेत्र कुछ भी कह लीजिए और बढ़िया खेलो। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 15 रन। तो फिलहाल चले गेंदबाज अभी और सही ये मारे था बॉडी के बाहर 4 रन। तो 9 गेंद और 3 तो 20 रन अब स्कोर बोर्ड पे। इसे भाई जलेबी कमर स्कोर ध्यान रखे। फिलहाल चले बढ़िया गेंद था अच्छा शॉट फिर विकेट क्षेत्र में। इसे एक रन से टीम का स्कोर जा पहुंचा। फिलहाल अमित और थी मारे रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। तो सुबह के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका और टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन। ओए होए बहुत अच्छा शाबाश शाबाश शाबाश। स्कोर बोर्ड तो सुबह पहली बार सामना करेंगे नाजिम। तो नाजिम चले बढ़िया गेंद चतुराई भरी गेंदबाजी अभी तेज गति गेंदबाजी कभी स्लो ओवर रेनैक को के लिए फिलहाल आयोजन समिति द्वारा एक बार गेंदबाज चले फिर सुमित है पहली बार सुबह में बल्ले का भारी किनारा थर्ड मैन की दिशा में फाइन होती गेंद और 4 रन के लिए। दो चक्के तो बिल्कुल अटपटे अंदाज में आए क्योंकि 35 रन। एक बार फिर तैयार मंजीत इस बार लंबाई की गेंद थी पहले एंड सेकंड तैयार इस बार पकड़े गए अंदर बिल्कुल मिडिल स्टंप पे पकड़े गए सुबह मिडिल और जिस कारण उन्हें वापसी जाना पड़ेगा हल्की पतन कर दिया था वहां जिस कारण सेमीफाइनल का दरवाजा खटखटाया है थाना धुमाकोट में। तो ढेर सारी शुभकामनाएं थाना धुमाकोट को एक बार तैयार फिर और लीजिए साहब इस बार और चार पर तेज बड़ा गैप मगर मुकाबले में बने रहना है फिलहाल दोनों टीमों को। तो लगातार विकेटों का पतन और बड़े शॉट खेलने होंगे बल्लेबाजों द्वारा मगर ऊपर खेलना चाहते थे गेंद छोटी रह गई इंतजार किया कि शॉर्ट पिच गेंद आएगी मगर ऐसा नहीं हुआ। स्लॉट वन गेंद डाली थी वहां पे नाजिर भाई ने स्पीड कम कर दी थी अपनी और इस बीच ऊपर खेल गए थे बल्ले सामने है फिलहाल दीपक है फिलहाल इस बार बल्ले का टॉप पिच लगाया गेंद थर्ड मैन की दिशा में
रन से नहीं रोक पाएंगे। फिलहाल दूसरे रन की कॉल करिए, वहां पे सही थ्रो आया भी और इस बीच मगर बढ़िया, क्योंकि बड़ा मुकाबला आपका होने जा रहा है जिसके लिए फिटनेस चल रही है उनके ड्रेसिंग रूम। इस बार मतलब फाइन शॉट गिरा हुआ और गेंद सीमा रेखा से अभी अंदर, बढ़िया क्षेत्ररक्षक वहां पे क्षेत्ररक्षक होता हुआ, काफी दूर से उन्हें लंबी रेस लगानी पड़ी जिस कारण गेंद तक पहुंची और एक बढ़िया रनिंग बिल्डिंग लगी गई दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 7 ओवर 40 रन देवलगढ़ एक्सप्रेस एक बार फिर तैयार है। दीपक किस तरह हॉलीकॉप्टर शॉट घुमाया था उन्होंने मिड ऑन की दिशा में मगर बढ़िया क्षेत्ररक्षण पे क्षेत्ररक्षक द्वारा एक रन से नहीं रोक पाए। इस एक रन के साथ हल्का सा स्कोर अब आगे अमित चले गेंदबाजी में। ओ इस बार बढ़िया शॉट स्ट्रेट रहे उसके नीचे, ओ बढ़िया के बढ़िया कैच नाजिर द्वारा, किसी भी तरह से कोई गलती नहीं, फिलहाल कैच को भाप लेते हैं और बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं वहां पे और उसके बाद आसान बना देते हैं मुश्किल कार्य को। एक बार फिर तैयार दीपक है वहां पे, अब इस बार हुआ क्या कहना भाई, उड़ता हुआ शॉट इसमें कोई दो राय नहीं, छोटी गेंद थी फुल टॉस थी और बल्ले का फेस खोला बिल्कुल स्क्वायर के नजदीक से खेला हुआ और बढ़िया 8 ओवर 50 रन मंजीत चले एक बार फिर बार बढ़िया गेंद स्टेट रैप बड़ा गेंद और बढ़िया क्षेत्ररक्षण में सीमा पार कर गए 4 रन बढ़िया क्षेत्ररक्षण इस बार थोड़ा सा मिस कर गए थे नाजिर भाई वहां पे गैदर कर लिया था उन्होंने मगर संतुलन अपना बनाने में भी भूमिका में सुनील चौहान मुख्य अंपायर और सहयोगी अंपायर के लिए सुनील असवाल। इस बार उठाने का प्रयास मेरा ऑफ की उसके नीचे क्षेत्ररक्षण मगर में ले लिया था मगर 2 रन से नहीं रोक पाए, बड़े 2 रन माने जाएंगे। बैलेंस तो बना लिया था मगर क्योंकि बैक फुट सिलवाड़ी के बीच मुकाबला खेला जाएगा, कड़ा और रोमांच मुकाबला देखने को मिलेगा, दोनों टीमें अपना प्रैक्टिस करती हुई। इस बार बढ़िया गेंद छोटी गेंद थी घूम के मारना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, गेंद छोटी थी और बोल्ड के रूप में वापसी जाना पड़ रहा दीपक को, तो बढ़िया ओवर मस्जिद का बढ़िया ओवर रहा था, दीपक बढ़िया खेल रहे थे वहां पे क्योंकि अंतिम जो 6 गेंदे रह गई थी अगले ओवर की उसका बड़ा आनंद, पिछला ओवर बढ़िया रहा था अमित का। एक बार फिर तैयार रवि के लिए इस बार गगन चुंबी छक्का बिल्कुल टाइमिंग के हिसाब से खेल रहे, कद उनका छोटा है शरीर उनका दुबला पतला है अनुभव का उनके पास भंडार भरा पड़ा है तो उसका इस्तेमाल टीम ओवर आता हुआ अमित मिश्रा द्वारा सामने अनिल। इस बार किसी भी तरह फॉलो तो मत खेले ना वहां पे नजर से हट गई थी गेंद इस कारण रन चुराने में कामयाब भी ले ली दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर काफी देर बाद अब ऊपर आता हुआ टीम है, छोटा स्कोर रहेगा क्योंकि बढ़िया बल्लेबाज बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, बाउंड्रिया नहीं आ रही है किसी भी तरह से बड़ा गेंद और सीमा पार कर गई साहब इस बार 4 रन के लिए। ओवर की भी समाप्ति बढ़िया चौका और बोनस चौका माना जाएगा देवलगढ़ के लिए 73 रन स्कोर बोर्ड और 74 रन बनाने हैं यहाँ पे। और गिरीश भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि आगे कहां को देखा हाल के लिए आमंत्रित करूंगा। सबने 20 पहुंचा बंटी और क्लीन बोल्ड लगने वाला पहला झटका बढ़िया गेंदबाजी। मैं पहले बता चुका सलन खाल के लिए खेला करता था खिलाड़ी अजय पाल भी हमेशा की तरह पांच सौ चाय पीते हुए गेंद हल के हाथों से धकेला। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 रन और राजीव ने भी अपना खाता खोला। तो बधाई फिलहाल और सही नसीहत सीमा रेखा बॉडी के बाहर 4 रन लगने वाला उतरा चल टैंटा उस गोली खाली पहला चौका स्कोर जा पहुंचा अब। फिलहाल इस ओवर के बाद ये गेंदबाजों की बात होगी तो चलिए गेंदबाज फिलहाल ऐसे रन रोकने होंगे की मदद से मनदीप जैसे बल्लेबाजों का आना बाकी बट्टी खुद नो गई के साथ स्कोर जा पहुंचा 9 रन और सही सही है ये होता है कोई भी खिलाड़ी कलाई
ऐसे ही कोई प्रीमियर लीग खेल के नहीं आता खिलाड़ी, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 15। फिलहाल नाजिम के बल्ले से पहला छक्का और ग्रीन वो टमाटर बोर्ड से गेंद पवेलियन की तरफ सामना बिल्कुल टेबल गाड़ भी अब फॉर्म में जितवाने वाला वक्त और समय बताएगा। यहाँ संपर्क करें, अगर जलेबी दिख जाए तो सबसे पहले भागेगी। फिलहाल और सही शॉट सीमा रेखा बोर्ड के बाहर, फिर भी जम्मी डॉस के ऊपर से 6 रन के लिए 22 रन स्कोर बोर्ड पे धीरे धीरे लय पकड़ता हुआ। तो फिलहाल और गेंद सीमा रेखा बोर्ड के बाहर 4 रन और स्कोर जा पहुंचा 26 रन। मुकाबला तो अभी थी और पॉइंट क्षेत्र और सीमा रेखा की तरफ इन दोनों से टीम का स्कोर जा पहुंचा सफलता। तो फिलहाल चली गेंदबाज और सही नसीहत और कैच छूटा तो संभवता नीरज पर छोला खराब क्षेत्र खला पर बड़े नाम। तो फिलहाल चली गेंदबाज बढ़िया गेंद हल्के हाथों से धकेला और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 32 रन। चौथा ओवर प्रगति पर और संभवतः 7.5 रन पर ओवर के हिसाब से रन सबसे महंगी थी। शाबाश शाबाश। तो फिलहाल खराब गेंदबाजी और बिल्कुल आउट क्योंकि कंचे बहुत खेले इस खिलाड़ी ने मनजीत के लिए। आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए चले गेंदबाज अनिल ये देख सही शॉट इसके क्षेत्र में 1 रन पूरा किया इसी 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा। मैं फोन करूंगा वाइड क्षेत्र में इसी 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 39 रन उनके लिए। फिलहाल दीपक रावत विकेट गेंदबाजी गेंद ऑफ साइड में धकेला कैप्टन सुभम गेंद के नीचे 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा। तो फिलहाल चले गेंद बढ़िया गेंद लगने के बाद थर्ड मैन क्षेत्र में और 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 41। धीरे धीरे फिलहाल चले गेंदबाज दीपक और सही नसीहत पर ही गेंद और सीमा रेखा बोर्ड के बाहर 6 रन 47 रन स्कोर बोर्ड पे। तो मैं पहले ही बता चुका था बढ़िया गेंदबाजी बल्लेबाजी की थी मंजेड़ा में लेकिन आज पटकी हुई गेंद है। फिलहाल उसके नीचे 6 रक्षक 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 49 रन। पांच ओवर प्रगति पर और दबंग उठड़ा परवल ताबेदार टीम में दोनों बढ़िया गेंद हल्के हाथों से धकेला और बिल्कुल इस बार तो संभव था कंचे भी काम नहीं आए 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 51। मात्र 23 रनों की और आवश्यकता। तो फिलहाल शुभम मनजीत के लिए उसके नीचे 6 रक्षक नहीं था जो खिलाड़ी बिल्कुल आसानी से लेता है कैच को कि मैं कर लूंगा हमेशा कैच छोड़ता है। तो मात्र 22 रनों की और आवश्यकता। तो सुबह ओवर द विकेट गेंदबाजी जब तक अभी से गेंद के नीचे 1 रन स्कोर जा पास काफी ज्यादा लोग आए के पास लेकिन किस्मत भी साथ साइड में सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए टीम का स्कोर जा पहुंचा 59 रन मात्र 15 रनों की और आवश्यक। तो ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 59 रन 24 गेंद में तो स्कोर 60 रन मात्र 14 रनों की और आवश्यक था। फिलहाल चले के बाद कॉटेड बोल्ड तो मात्र 14 रनों की ओर और बटवाड़ो दोनों पर दावेदार टीम है। तो फिलहाल शुभकामनाएं और सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए
स्कोर जा पहुंचा फिलहाल सुबह और सीमा रेखा बोर्ड के बाहर 6 रन के लंबा छक्का तभी जय छक्का मनजीत के बल्ले से। मैं पहले बता चुका था कि देवभूमि चौक है देवभूमि स्पोर्ट्स महाकौशिक फाउंडेशन राष्ट्रीय पंजीकृत मुकाबला।